नवंबर का महीना वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वृश्चिक राशि के लोगों के लिए इस नवंबर माह के राशिफल के बारे में। इस महीने में जो ग्रहों की पोजिशन होने वाली है उसका प्रभाव आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर किस तरह से मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ग्रहों की स्थिति की बात करेंगे कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में है और वो किस तरह के रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट क्या होंगे, नेगेटिव रिजल्ट क्या होंगे, किन चीजों से लाभ मिलेगा और किन चीजों में सावधानी रखनी है। साथ में वीडियो के अंत में उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वृश्चिक राशि की मैं बात कर रही हूं और अगर आप देखें तो वृश्चिक राशि की कुंडली यहां बनी हुई है इस महीने नवंबर के महीने की। अब वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल देव। और मंगल अभी कहां है, मंगल अभी नीचस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं कर्क राशि में, आपके भाग्य भाव में। देखिए किसी भी कुंडली का अगर राशि का स्वामी, ये लग्न होती है, अगर लग्न का स्वामी नीच में होता है तो बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन बाकी ग्रहों की पोजीशन भी देखी जाती है। ये नीच अवस्था में ही रहेंगे पूरे महीने, लेकिन आपके लग्न में शुक्र और बुध की युति है जो कि लक्ष्मी नारायण योग बना रही है और ये युति रहेगी 7 नवंबर तक, क्योंकि 7 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके दूसरे घर में। इसके बाद शनि है, शनि आपके चौथे घर में बैठे हैं और यहां ये वक्रस्थ अवस्था में है, लेकिन आने वाली 15 तारीख को, 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और शनि का मार्गी होना कई तरह के परिवर्तन भी लेकर आएगा। राहु आपके पंचम स्थान में बैठे हैं और यही पंचम स्थान में रहेंगे। इसके बाद गुरु बृहस्पति ये आपके सप्तम स्थान में बैठे हैं। यहां मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छा योग भी बना हुआ है जो इस महीने के लिए बेहद खास है। जैसे कई ग्रहों की जो पोजीशन है वो बड़ी शुभ होने वाली है। जब शुक्र का राशि परिवर्तन दूसरे घर में होगा 7 नवंबर को, तब एक बड़ा उत्तम योग बनेगा क्योंकि ये गुरु की राशि है और गुरु की राशि में शुक्र जाएंगे। अगर आप देखें तो शुक्र की राशि में गुरु पहले से बैठे हैं वक्रस्थ अवस्था में, तो ये एक परिवर्तन योग बन गया, यानी कि शुक्र की राशि में गुरु और गुरु की राशि में शुक्र एक दूसरे की राशि में परिवर्तन कर लिया, तो ये परिवर्तन योग बन गया। और जो परिवर्तन योग होता है उसका प्रभाव बहुत ही शुभ देखने को मिलता है, तो इसका रिजल्ट आपको इस पूरे महीने देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम देखें तो आपका जो 11वां घर है वहां केतु बैठे हुए हैं और आपका जो 12वां घर है वहां सूर्य नीचस्थ अवस्था में है 16 नवंबर तक। 16 नवंबर को वो राशि बदलकर आपके लग्न में आएंगे और फिर बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो कुछ इस तरह से तो ग्रहों की स्थिति है। अब ये जो ग्रहों की स्थिति है ये कैसे रिजल्ट देगी, सबसे पहले बात यहां करते हैं आपके लग्न के स्वामी के बारे में जो कि मंगलदेव हैं और नीच राशि में यहां बैठे हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो भाग्य भाव में मंगल का होना उतना ज्यादा नुकसानदायक आपके लिए नहीं होने वाला है। हालांकि हेल्थ को प्रभावित ही जरूर करेगा, हेल्थ इश्यू तो ये देगा ही देगा, लेकिन ये क्या इसकी वजह से आपको क्या कुछ मिलने वाला है, इसकी वजह से जो लग्न का स्वामी है और लग्न में 2 ग्रह बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए आपके करियर के लिए 16 नवंबर के बाद की स्थितियों को बहुत अच्छा निर्मित कर रहा है। देखिए इस महीने को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, क्योंकि 1 नवंबर से 16 नवंबर तक सूर्य नीच के हैं, तो जो नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्रशासनिक जिनके कार्य हैं, उनके लिए 16 नवंबर के बाद का समय सबसे ज्यादा शुभ होने वाला है, बहुत उत्तम होने वाला है, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी सूर्य होते हैं जो 12वें घर में बैठे हैं नीचस्थ अवस्था में। आप देख रहे होंगे अभी आपको आपके कामकाज का उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, काम आप कर रहे हैं नाम किसी और का हो रहा है, आपके काम की उतनी प्रशंसा नहीं हो पा रही है, उस एफर्ट इतना कर रहे हैं लेकिन उस एफर्ट का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो ये 16 नवंबर से ठीक हो जाएंगी। प्रशासनिक कार्य
यानी गवर्नमेंट जॉब या जिन किसी की भी सर्विस है उनके लिए 16 नवंबर के बाद स्थितियां अच्छी होंगी, आपका कामकाज भी अच्छा चलेगा, नौकरी में अच्छी स्थितियां भी रहेंगी। जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहां उसके लिए भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ में शनि भी सामने बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में है, देख रहे हैं आपके 10वें घर को, जिसके कारक भी होते हैं सूर्य भी कारक होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये आपके लिए आपके करियर में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कराने में आपको आपका सपोर्ट करने वाले हैं, कर्म के प्रति आपको समर्पित करने वाले हैं। साथ में भूमि भवन वाहन इन सभी चीजों को खरीदारी करने का जो एक योग बना हुआ है वो भी आपके लिए बेहद अच्छा है। आप देखेंगे कि इस महीने में आप वाहन खरीदारी करने के बारे में अगर सोच रहे थे तो आप वाहन की खरीदारी कर सकते हैं 15 नवंबर के बाद, क्योंकि 15 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी हो जाएंगे। अगर आप घर खरीदना चाह रहे थे, घर देख रहे थे और उसमें आपकी बात नहीं बन पा रही थी, तो वो भी आपकी 15 नवंबर के बाद बन जाएगी, क्योंकि वहां शनि आपके लिए इन सारी चीजों को निर्मित कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो करियर है वहां तो आपका अच्छा हो गया, बिजनेस की बात करूं अगर मैं तो बिजनेस का हाउस होता है ये सप्तम भाव, जहां गुरु बैठे हैं शुक्र की राशि में। बिजनेस के लिए ये समय काफी अच्छा है, आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आप इस समय अवधि में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। और साथ में देखिए जीवन साथी का भाव भी होता है, और यहां अगर आप देखें तो शुक्र जो है पहले तो आपके लग्न में रहेंगे, उसके बाद आपके द्वितीय घर में जाएंगे, यानी कि सप्तम का स्वामी जब द्वितीय घर में जाएगा तो ये आपके जीवन साथी के द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा भी लाभ कराएगा। आपके पार्टनर के द्वारा धन में वृद्धि का योग बना हुआ है, या आपका बिजनेस है उस आपका फैमिली बिजनेस है वहां आपका पार्टनर भी जाने की कोशिश कर सकता है कि वो भी उस काम से जुड़ जाए, या आपका पार्टनर जो काम करता है उससे आप भी जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये समय आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा भी अच्छे रिजल्ट दिला रहा है, आपका जो शादीशुदा जीवन है वहां आपका लाइफ पार्टनर है उसके द्वारा अच्छे रिजल्ट दिला रहा है, उसके द्वारा धन की प्राप्ति करें, धन के मामले में स्थिति अच्छी है। जब तक शुक्र यहां रहेंगे तो आपके लिए ये स्थिति भी अच्छी रहेगी। मंगल जहां आपको हेल्थ इश्यू दे रहे हैं वहां शुक्र आपके लिए अच्छी स्थितियों को भी निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि ये 7 तारीख तक बुधादित्य राजयोग लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, और तब ये समसप्तक योग बना रहेगा 7 नवंबर तक। तब क्या होगा, स्थितियां प्रेम जीवन में भी अच्छी रहेंगी, स्थितियां वैवाहिक जीवन में भी अच्छी रहेंगी, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, और साथ में आप अपने ऊपर ध्यान भी देंगे, अपने सजने संवरने पर भी आप ध्यान देंगे, उस पर भी आप खर्चा करेंगे, तो वो स्थितियां भी रहेंगी। लेकिन दूसरी चीज ये है, ये आपके 12वें घर के स्वामी हैं शुक्र, तो कहीं ना कहीं खर्चा भी कराएंगे, ऐश और आराम की चीजों को खरीदारी करने की आपके लिए यहां कोशिशें रहेंगी, कुछ बेकार की चीजें भी खरीद सकते हैं, यानी मन में जो खर्चा है ना वो बिल्कुल ऐसे बच जाएगा कि इस चीज को खरीदना है, उस चीज को खरीदना है, क्योंकि ये आपको खर्च कराएगा ही कराएगा। धन भाव में जाएगा तब भी आपके खर्चे के लिए रहेगा कि खर्चा कराने वाला है, तो बस खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। जब पैसा आपके पास आया और आपने खर्चा कर दिया तो आप संचित नहीं कर पाएंगे, तो खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करके चले। लेकिन आपके विदेश के लिए ये अच्छा है, विदेश जाना आप चाहते हैं तो उसके लिए भी स्थितियां जो है अच्छी होंगी। पूरा महीना हम उसके लिए अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि 7 नवंबर तक तो ये आपके लग्न में है शुक्रदेव, और बुधादित्य राज लक्ष्मी नारायण योग बना है जो कि विवाह, ये आपके विदेश का स्वामी है, तो जो भी प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन में चल रही थी, वीजा में चल रही थी, तो वो चीजें आपकी 7 नवंबर के बाद बहुत अच्छे से सॉल्व होनी शुरू होंगी। या फिर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, विदेश से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, वो आपका अच्छा रहेगा। विदेश से जुड़े हुए कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो वहां अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, वहां अच्छे चांसेस आपको देखने को मिलेंगे 7 नवंबर के बाद में, ये स्थितियां रहने वाली हैं। देखिए शनि की बात करते हैं, शनि जो है वो वक्री बैठे हैं 4थे घर में, 4थे घर में शनि होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को नेगेटिव भी बनाते हैं, जैसे माता के साथ संबंध खराब होना, या तो माता के साथ कहा सुनी होगी, या माता की सेहत प्रभावित होगी, या छोटी छोटी बातों पर माँ के साथ बहसबाजी होगी, यानी कुछ ना कुछ दिक्कतें तो जरूर रहेंगी। 4थे भाव में जब भी शनि आते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर करते हैं जो फैमिली में एक बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं बना पाते, फैमिली में भी नोकझोंक की स्थिति बनी रहती है,
जहां एक तरफ शनि आपको भूमि खरीदने की तरफ अच्छे सारे देंगे, प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ, मकान बनाने की तरफ, वाहन खरीदारी करने की तरफ, वहीं आपकी फैमिली को और आपके माता के साथ संबंधों को खराब भी करते हैं। दूसरा, आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है तो हार्डवर्क भी आपका बनता है। ये हार्डवर्क आप कर रहे हैं जिसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। वक्री से मार्गी होने के बाद शनि का स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माता के साथ ज्यादा बहस ना हो। तो कई बार होता है कि हम रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को अच्छा रखने के लिए एफर्ट डालते हैं, वही चीजें आपको करनी है, क्योंकि आप भी अपनी जगह ठीक है और हो सकता है वो भी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन ये सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। दोनों एक दूसरे की जगह ठीक है लेकिन फिर भी द्वंद्व की स्थिति बनी है। ऐसे में थोड़ा संयम और धैर्य से पेश आना है, थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करके चलना है, और अगर आपने ये समय बैलेंस करके निकाल दिया तो फिर आप अपने रिश्तों को संवार सकते हैं। केतु आपके 11वें घर में बैठे हैं, जो फ्रेंड सर्कल का भी भाव होता है और लाभ का भी होता है। तो एक तो पैसे के पीछे नहीं भागना है, बहुत कमाना है कमाना है कमाना है, बहुत सारे कामों के पीछे पड़ गए आप, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने हाथ में ले लिए, बहुत सारे काम आपने हाथ में ले लिए, ये नहीं करना है। काम की क्वालिटी देखनी है, किस काम की क्या क्वालिटी है, किस काम से कितना प्रॉफिट हो सकता है। ज्यादा चीजें हाथ में लेने से अच्छा है कि एक ही चीज पर फोकस करें, तो क्वालिटी देखनी है आपको। दूसरा, अपने फ्रेंड्स अच्छे बनाने हैं, क्योंकि ये फ्रेंड सर्कल का नेबर्स का विभाव होता है, तो फ्रेंड्स की गिनती नहीं बढ़ानी है कि मेरे पास तो 40 फ्रेंड है, मेरे पास तो 10 फ्रेंड है। उन फ्रेंड्स को बनाना है जो वाकई में आपके साथ मित्रता का भाव रखते हैं, जो वाकई में आपको अच्छी सलाह देते हैं, वहां भी क्वालिटी देखनी है। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कई फ्रेंड होते हैं जो आपको दूसरी ही दिशा में लेकर चले जाते हैं, करना आप कुछ और चाहते हैं लेकिन आपकी दिशा ही उन्होंने बदल दी। तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। केतु यहां बैठे हुए हैं, राहु की बात करें, राहु आपके पंचम स्थान में है, वैसे तो प्रेम जीवन के लिए ठीक है, लेकिन प्रेम जीवन में किसी तीसरे की एंट्री से गलतफहमियां हो सकती हैं, शक कर सकते हैं, या तो शक होगा या तीसरे की चुगली से, तीसरे की बातों से, दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो किसी तीसरे को अपने बीच में आने ही ना दें। और साथ में शक की भावना को दूर करें, सच्चाई जाने शक की भावना को दूर करें, इस चीज का ध्यान रखें, बाकी जो चीजें है वो ठीक रहेंगी। संतान के लिए मैं कहूं तो देखिए, जो शिक्षा और संतान की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं कहूंगी, अगर आपने अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर लगा लिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप पा सकते हैं, लेकिन मन डाइवर्ट भी रहेगा, मन पढ़ाई से हटने वाला भी रहेगा, तो उस मन को आपको थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करके आपको कंट्रोल करना है, अपनी एकाग्रता को, अपनी फोकसनेस को आपको ठीक करना है। और जब आप इन चीजों पर काम करते हैं, एक होता है कि आपका जो ध्यान है वो भटक रहा है, एक होता है आप अपने ध्यान को भटकने से बचा रहे हैं। जो वो चाहता है, राहु चाहता है, राहु बैठा है पंचम में, राहु चाहता है कि आपका ध्यान भटके, लेकिन अगर आपने ध्यान भटकाकर शिक्षा पर केंद्रित कर लिया तो वही राहु आपको शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिला देगा, क्योंकि उसको मेहनत चाहिए, उसको मेहनत चाहिए, दिमाग फोकस करना है, वहां कर लो चाहे अपनी सही स्थिति पर कर लो। तो इन चीजों का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। विवाह की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए 7 नवंबर के बाद अच्छी स्थितियां रहेंगी, विवाह के योग भी बनेंगे, घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, तो उन चीजों के लिए भी यहां स्थितियां अच्छी रहेंगी। देखिए, हेल्थ की मैंने बात की थी, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है और छठे घर के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू दे रहे हैं, और साथ में शत्रुओं के लिए भी ये थोड़ा सा आपके लिए रह सकते हैं कि शत्रु हावी हो जाए, कामकाज में थोड़ी बाधा मिल जाए, ट्रेवल वगैरह करना चाह रहे थे वहां रुकावटें आ जाए, और पिता की हेल्थ भी थोड़ी बहुत इश्यू हो जाए, कहीं आप कहीं पूजा पाठ करने जा रहे थे यानी धार्मिक यात्रा पर जाना चाह रहे थे तो वहां रुकावटें आ रही होंगी, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, और सबके लिए जरूरी नहीं हो, लेकिन जिनके लिए महादशा, मंगल की महादशा चल रही हो, उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है। साथ में हमारी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कैसी है ये भी पता करता है। राहु की महादशा चल रही हो ठीक है, सूर्य की महादशा चल रही हो तो 16 नवंबर के बाद की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, करियर में नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप देखेंगे 16 नवंबर के बाद अगर सूर्य की महादशा है तो आपके लिए बहुत सारी कॉल आएंगी, अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगी, आपके लिए ज्वाइनिंग के लिए आपके लिए काफी ज्यादा आपको रिजल्ट प्राप्त होने की गुंजाइश रहेंगी। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है,
और साथ में ये महीना त्योहारों का महीना भी है। 1 नवंबर दीपावली, 2 नवंबर गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर भाई दूज है, और 7 नवंबर को छठ पूजा है, 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, जिस दिन से विवाह प्रारंभ होंगे। अभी तक देव सोए थे तो 12 नवंबर से विवाह प्रारंभ हो जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और हाँ, उपाय की हमने बात नहीं की, उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस पूरे महीने एक उपाय तो आपको करना है कि मंगल के बीज मंत्र का जप करें, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है और नीच के हैं, साथ में छठी के भी स्वामी है। मंगल के बीज मंत्र का जप जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।